नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चों का टॉय हेलीकॉप्टर रिपेयर करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो कभी-कभी ये ऊपर से गिर जाता है और गिरने के कारण इनमें कोई खराबी आ जाती है। मैं आज उसी खराबी को रिपेयर करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप ये हेलीकॉप्टर देख रहे हो, इसके ये नीचे वाला पंखा घूम रहा है लेकिन ऊपर वाला पंखा नहीं घूम रहा है, क्योंकि दोस्तों ये हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर गया था, इसलिए गिरने के कारण इसमें कोई फॉल्ट आ गया है और आज मैं आपको इसी फॉल्ट की रिपेयर करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। उसके लिए दोस्तों हमें ये हेलीकॉप्टर ओपन करना होगा और हेलीकॉप्टर ओपन करने के लिए हम इसका स्विच यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। ये स्विच मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है और अब हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए दोस्तों जो आप ये देख रहे हो, इसके ये ऊपर का कवर हमें यहाँ से अलग कर लेना होगा। इस प्रकार हम इसका कवर ओपन कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें लगे तीनों स्क्रू ओपन कर लेते हैं। इसमें तीन स्क्रू लगे होते हैं, हम तीनों स्क्रू स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से इस प्रकार ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये तीनों स्क्रू लगे हुए हैं, हम तीनों स्क्रू यहाँ से इस प्रकार ओपन कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार हमें इसके तीनों स्क्रू यहाँ से ओपन कर लेने होंगे और उसके बाद हम इसकी रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत ही बारीक स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये इस प्रकार मैंने ये तीनों स्क्रू यहाँ से ओपन कर लिए हैं और अब इसके बाद हम इसका कवर हटा लेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो, हमें कुछ इस प्रकार इसका कवर यहाँ से ओपन कर लेना होगा। ये इस प्रकार मैंने इसका कवर ओपन कर लिया है और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी गरारी लगी हुई है, ये इसका गियर बक्सा होता है और ये गिरने के कारण ओपन हो गया है जैसे कि आप देख रहे हो, और इसकी गरारी अपनी जगह से हट गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाले पंखे की जो गरारी है वह अपनी जगह से हट गई है, इसलिए ये ऊपर वाला पंखा नहीं घूम रहा है। इसके लिए हमें इसके गियर बक्से को ओपन करके इसकी रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें इस हेलीकॉप्टर में से ये पूरा इंजन अलग कर लेना होगा। ये इस प्रकार मैंने इसका ये पूरा इंजन अलग कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसकी मोटर लगी हुई है और ये यहाँ पर इसका ये गियर बक्सा है जिसमें सभी गरारी होती है जो इन ऊपर वाले पंखे को घुमाती है, और इन सभी गरारी के ऊपर ये एक कवर लगा हुआ होता है जैसे कि आप देख रहे हो, और गिरने के कारण ये कवर यहाँ से हट गया है। ये इस प्रकार ये मैंने हटा लिया है यहाँ से। ये ऊपर से गिरने के कारण थोड़ा खुल गया था जिस कारण ये गरारी अपनी जगह से हट गई थी, इसलिए ऊपर वाला पंखा नहीं घूम रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये ऊपर वाले पंखे की जो गरारी है, ये नीचे वाली गरारी होती है, इसके घुमाते ही ऊपर वाला फैन घूमने लगता है और ये इस छोटी गरारी से हट गई थी जिस कारण ये ऊपर वाला पंखा नहीं घूम रहा था। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये छोटे वाली गरारी इस बड़ी गरारी को घुमाती है, ये अपनी जगह से हट गई थी जिस कारण ये गरारी नहीं घूम रही थी और इसी कारण ये ऊपर वाला पंखा नहीं घूम रहा था। अब हम इसे अच्छी तरह यहाँ से दबाकर इसका कवर को यहाँ से बंद कर देंगे। ये इस प्रकार हमें इसका कवर यहाँ पर दोबारा लगा देना होगा जैसे कि आप देख रहे हो। इस प्रकार हम इसके कवर को यहाँ पर लगा देंगे और इसको अच्छी प्रकार यहाँ से दबा देंगे। इसके कवर में लॉक होता है जो अच्छी प्रकार बंद होते ही लॉक लग जाता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपके बच्चे के हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ गई है तो आप इसको फेंके मत, इस प्रकार इसको रिपेयर कर ले। और अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करने के लिए मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया है और ये अब दोनों पंखे घूमने लगे हैं। इसका मतलब है कि जो इसमें खराबी थी वो ठीक हो गई है और ये दोबारा से कार्य करने लगा है और अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों, आप किसी भी हेलीकॉप्टर की रिपेयर स्वयं घर पर ही बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब बच्चे हेलीकॉप्टर से खेलते हैं तो वो कभी कभी गिर भी जाता है और गिरने के कारण कभी कभी इसमें इस प्रकार की खराबी अक्सर आ जाती है, इसलिए आप हेलीकॉप्टर को फेंके मत और उसको इस प्रकार रिपेयर कर ले। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।